नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई थी, मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा कमेंट आप लोगों की यह आई हुई थी कि मैं बाइसेप्स वर्कआउट पर वीडियो बनाऊँ। बाइसेप्स वर्कआउट हमारी बॉडी का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है, तो लेकिन जो और भी पार्ट है हमारी बॉडी के, वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ बाइसेप्स वर्कआउट पर ध्यान ना दें, और भी बॉडी पार्ट पर ध्यान दें। लेकिन जो आज मैं आपके लिए वर्कआउट लेकर आ रहा हूँ, जो तीन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ, वो बाइसेप्स के लिए लेकर आ रहा हूँ। अगर उसे आप डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। और काफ़ी भाइयों की यह रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि मैं डाइट पर वीडियो बनाऊँ, तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए डाइट से रिलेटेड भी वीडियो वो भी लेकर आऊँगा। तो मैं विपिन यादव, फिटनेस मोटिवेटर, चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज होगी बारबेल कर्ल। तो इसको सही करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको कितना वाइड पकड़ना है, इसको कितना क्लोज पकड़ना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक जब बिगिनर जिम में आता है तो सबसे पहले मैंने काफ़ी देखा है कि वो बाइसेप्स का ही वर्कआउट करता है, रोड़ी उठाता है, और सबसे पहले गलती भी वो इसी के अंदर करता है। तो इस चीज़ को सुधारने का सही तरीका ये है कि आप जब इसको रोड को पकड़ते हैं तो साइड में इतना होना चाहिए, आपकी कमर से आपका हाथ और आपकी कमर दोनों बराबर होनी चाहिए साइड में। और जब आप इसको ऊपर लेके आते हैं तो इसको होल्ड ज़रूर करें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ये लगाते हैं इसको और पूरी बॉडी उनकी हिलती रहती है। तो बॉडी ना हिलाएं, फिर अपने बाइसेप्स को, बाइसेप्स के जो मसल्स हैं उसको होल्ड करके रखें ये, और नीचे आते टाइम इसको ढेला ना छोड़ें, यहाँ पे होल्ड करके रखें। तो ये है सही पोजिशन, और अपना कंसनट्रेट पूरा अपना बाइसेप्स पे रखें, बॉडी के किसी और पार्ट को आप अवॉइड करें उस चीज में। और अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी डंबल कर। तो इसकी मैं आप लोगों को टेक्निक बताता हूँ, इसे लगाने की सही टेक्निक क्या है, और रेपिटेशन इसकी आपको 10 से 12 रखनी है, वही 3 सेट के अंदर। क्योंकि बच्चे ये करते हैं एक्सरसाइज में, कोई ये करता है, कोई ये करता है, तो ये इसकी सही पोजिशन नहीं है, सही करने की पोजिशन ये है। और जैसे कि मैंने पहले एक्सरसाइज में बताया, मसल्स को होल्ड करें और नीचे आते टाइम ढीला ना छोड़ें, ये छोड़ते हैं बच्चे इसको डंबल को, ऐसे ऐसे ना करें, ये यहाँ पे होल्ड रखें ताकि आपकी मसल्स होल्ड रहेगी, तो आपकी मसल्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और ये बाइसेप्स की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज होगी हमारी हैमर कर्ल। तो आप लोगों को बताता हूँ कि इस वर्कआउट को करने की सही टेक्निक क्या है। ये जब आप डंबल ऊपर लेके आते हैं तो इसको चेस्ट के बराबर में पूरा खींचें ये, और ये सिर्फ ना हमारे बाइसेप्स के लिए बल्कि हमारी फोरआर्म्स के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। फोरआर्म्स के साथ साथ हमारी बाइसेप्स की विड्थ भी अच्छी होगी, और उसके लिए ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप जब भी
अपने बाइसेप्स का वर्कआउट करते हैं तो इस एक्सरसाइज को जरूर ऐड करें। ये ना करें, इससे आपको इंजरीज भी होगी और आपकी जो बाइसेप्स की मसल्स है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज लगाने का सही तरीका ये है, अपने हाथ को पूरा यहाँ पे बैंड करें ऊपर लाते टाइम। बच्चे क्या करते हैं, ये लगाते हैं इसको, ये बल्कि इसको अंदर लेके आना है और यहाँ पे आपकी फोर आर्म्स को भी बिल्कुल खींच के रखना है, होल्ड करके रखना है अपने बाइसेप्स को। ये अंदर की तरफ लेके आना है इसको ऐसे, और आप लोगों की काफ़ी यहाँ रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि मैं डाइट प्लान पर वीडियो बनाऊं या फिर उन लोगों के लिए वीडियो बनाऊं जो अभी बिगिनर है या फिर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल के हैं। तो इसके लिए भी मैं एक प्लान चलाने जा रहा हूं, मैं एक सीरीज चलाने जा रहा हूं, जो सीरीज़ मैं इन तीनों के लिए अलग अलग लेकर आऊँगा और डाइट प्लान के लिए भी एक अलग सीरीज़ लेकर आऊँगा। लेकिन जो मैं ये वर्कआउट बता रहा हूँ ये एक बिगिनर के लिए बता रहा हूँ अभी, क्योंकि एक जो गरीब फैमिली का बच्चा है वही इस चीज़ को अभी शुरू करेगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि अगर वो इस चीज़ को शुरू करे तो उसको इंजरीज हो, वो पहले अपना एक स्टार्टअप करें और वो ये सीखे कि उसे किस तरीके से वर्कआउट करना है। तो उसी चीज़ के लिए मैं सब लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें और मैं मानता हूँ कि आपको इस देसी वर्कआउट से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन करने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।